जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी के यहां बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मा बाजार के पास स्थित एक व्यापारी के यहां का है, जहां पर शाम के समय 3 व्यक्ति पहुंचे और वहां पर मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर वहां से 4 से 5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा और अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के विषय में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि शाम के समय सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यापारी के यहाँ 3 बदमाशों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। आपके जो ये लूट हुई है, क्या मामला था, कैसे हुई? हम लोग तो बैठे हुए बही खाते कर रहे थे, सामने से आए करीब 5:45 बजे 3 जने और हमने घाक समझते हुए पूछा क्या बात। उन्होंने अपने हाथ से कट्टे निकाल लिए या रिवॉल्वर निकाल ली और लूट के लिए उन्होंने हमारी तरफ तान दी। तो मैंने उनसे कह दिया आपको जो ले जाना है वो ले जाओ, हम विरोध कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो सब जो था पैसा वैसा यहाँ वो लेकर। कितना रुपया होगा? लगभग लगभग 5 के आसपास। और क्या क्या सामान ले गए इसके अलावा? दोनों मोबाइल ले गए, मेरे और मेरे बेटे का। और कुछ कहा आपसे उन्होंने? बस उन्होंने यही कहा कि आप बोलोगे या शोर मचाओगे तो हम गोली मारेंगे। कितने बजे की घटना है सर? ये 5:45 या 4:40 या 4:45 या 5:50 पर सर अकेले थे या और भी? मैं और मेरा बेटा बैठा। आप और आपके बेटे? थाना चंदौसी के अंतर्गत ये ब्रह्म बाजार के क्षेत्र में गोपाल बाजार क्षेत्र है, इसमें ये गली के अंदर इनकी एक दुकान है। इसमें आज शाम को ये जानकारी मिली कि 3 लड़कों के द्वारा यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने इनके साथ में इनके 2 मोबाइल और साथ में जो इनके ड्रॉर में कैश था, जो अभी व्यापारी जो है उनका बताया है कि करीब 4-5 लाख रुपये कैश है, उसको इनके द्वारा लूट के और ये लोग ले गए हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी तक एक CCTV फुटेज मिली है उसके आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। जो मोबाइल और बाकी जो पैसा गया है उसको ट्रेस कराने की कोशिश की जा रही है। जो अभी जानकारी हुई है उससे ये लग रहा है पहली दृष्टया कि ये किसी जानने वाले का भी काम हो सकता है। हम लोग उस एंगल पे भी काम कर रहे हैं। जो जो यहाँ के ऐसे एक्टिव गैंग हैं उनकी वो छाना जा रहा है और जल्दी इस घटना का वर्कआउट किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इनके द्वारा भी बताया गया है कि 4-5 लाख रुपये का कैश गया है इसमें।